भाभी जी के गुलाम हैं आप, उनकी नजर में कठपुतले हैं, बीवी का नौकर। मैं जो भी तुम दोनों से कहूंगा तुम दोनों वही करोगे। हाँ बिल्कुल वही करेंगे। कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे? नहीं छेड़ेंगे। सक्सेना जी, कैन यू टीच मी, क्या सिखा सकते हैं आप मुझे टेक्निक हिप्नोटिज्म की? आई वुड लव टू डू इट। अब मैं जो कहूंगा आप बिल्कुल वैसा करेंगी। आपका अपने आप को सम्राट समझते हैं का? हम तो मेरी नौकरानी है का? जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है, हमें पता है तुम्हें किसने भड़काया है, ये जरूर तुम्हारे डैडू ने तुम्हें भड़काया। डैडू नहीं, डैडू पर इल्जाम ना ही लगाना हमरे। चलो निकलो घर से बाहर। ये अंगूरी कैसा व्यवहार कर रही है आज, जबरदस्ती हमारी आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर कर दिया पगली ने। निकलो घर से बाहर निकलो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो पगली? आप पगली नहीं, दोबारा पगली बोला। निकलो निकलो घर से बाहर। निकलो घर से बाहर। अरे लेकिन आप सोएंगे कहां? आप गई होगी खेत में सोएंगे। अंगूरी, 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 अंगूरे, अंगूरे। अरे यार, अरे हमारे साथ ऐसा काहे कर रही हो? काहे हमें घर से बाहर निकाल दिया? हो गया खेल, हो गया भाई का खेल, हो गया अंगूरी। अरे यार बिना बताए हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ तिवारी जी? भाभी जी ने घर से लात मार के बाहर निकाल दिया? अरे नहीं, ओ आई एम सॉरी, भाभी जी की कहां इतनी मजाल की वो आपको घर से बाहर निकाले। वो तो आपकी आंख देखकर डर जाती है, कांपने लगती है ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे। बड़ा गुमान था कुछ लोगों को कि उनकी बीवियां उनकी मुट्ठी में, सारी ऐंठ निकल गई। हम कुछ लोगों से अच्छे हैं, कम से कम अपने घर में सोएंगे, अपने बेडरूम में, अपनी बीवी के बगल में। कुछ लोगों को तो अपने घर की दहलीज के बाहर रात गुजारनी पड़ेगी। पतिवारी जी, इफ यू नीड एनीथिंग, प्लीज प्लीज, इफ यू नीड एनीथिंग, डोंट यू बॉदर मी, ओके? और गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। रात को बड़े बड़े मच्छर आते हैं और ऐसी जगह काटते हैं कि आप सुबह बता भी नहीं सकते। अंगूरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज भभूति जी हम पे थू थू करके चले गए। अबे चुप है। तिवारी जी, तिवारी जी, क्यों सो रहे? तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी, अरे अरे भाभी भाभी जी, भाभी भाभी जी, आप चलिए सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। सुप्रभात भाभी जी, सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात, लेकिन तिवारी जी आप घर के बाहर क्यों सो रहे? तिवारी जी, तिवारी जी, क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी,
अंगूरी ने रात को हमें घर से बाहर निकाल दिया भाभी जी। What are you saying, दिवारी जी? क्यों सुबह सुबह बेवकूफ बना रहे हैं? अंगूरी जी आपको घर से बाहर निकाल ही नहीं सकती। भाभी जी इसी बात को तो लेकर हम अचंभित है कि हमें अंगूरी बाहर कैसे निकाल सकती है घर से, लेकिन उसने निकाल दिया। अरे निकाल दिया तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। कोई वजह नहीं भाभी जी, बिना किसी वजह के हम अपने खोके मतलब शॉप से घर लौटे, थके मांदे, बस कुछ नहीं पूछा, बिना कुछ पूछे धक्के मार कर हमें घर से बाहर निकाल दिया भाभी जी। विश्वास तो नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भोली भाली प्यारी सी अंगूरी जी वो ऐसा कर ही नहीं सकती। भाभी जी बिल्कुल कर सकती है, रात को कुछ अजीब सा रूप हो गया था उसका, एकदम एकदम भयंकर कठोर सा। क्या बात कर रही हो? एक तो रात को हमें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, आप कह रही हो कि परेशान थी? हत्या, हमने हमने आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाला। हत्या ये क्या बात कर रहे हो लड्डू के भैया, हम आपको घर से काहे बाहर निकालेंगे? हम तो पूरी रात आपको लेकर परेशान थे, आप अपना फोन भी घर पे छोड़ के गए थे, हमने बाहर निकाला, क्या बात कर रही हो? अरे काहे झूठ बोल रही हो? चुप रहिए तिवारी जी, आप अंगूरी जी झूठ नहीं बोल रही, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाभी जी हम झूठ काहे बोलेंगे? हाँ, अरे तिवारी जी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, मर्द तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, झूठ तो सिर्फ औरतें बोलती हैं, है ना? भाभी जी हम सच कह रहे हैं। अब बिल्कुल सच नहीं कह रहे हैं, सच तो मैं समझ गई हूँ। एक्चुअली हुआ ये होगा कि कल रात आप शराब पी के आए होंगे और आप घर में घुसने से डर रहे होंगे, आप बाहर ही सो गए, एक्चुअली आप टुन होकर लौट गए। भाभी जी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? समझ तो मैं गई हूँ तिवारी जी, एक्चुअली आप नहीं चाहते थे कि आपके पत्ते खुल जाएं, इसीलिए आपने सारा का सारा बिल भोली भाली अंगूरी जी पे फाड़ दिया। आपने बहुत बुरा किया तिवारी जी, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड, अशेम्ड। लड्डू के भैया काहे रात को इतना पी लिए कि कुछ होश ही ना ही रहा, आज अंदर पी लेना। पेलू, तुम अब पूरी तरह से मेरे सम्मोहन के जाल में फंस चुके हो, तुम मेरे गुलाम बन गए हो, मैं तुमको जो भी कहूंगा तुम वही करोगे। तुम जो कि कभी भी नहीं नहाते हो, रोज 10-10 बार नहाओगे। सक्सेना जी अपने हिप्नोटिज्म की बत्ती बनाइए और कान खुजाइए, मुझ पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। आई लाइक इट। सक्सेना जी तुम ससुर सबको अपने जैसो पागल समझते हो का? बहुत बड़े सम्मोहन शास्त्री बन रहे हो, चौधरी बन रहे हो ससुर। तुम सुनो जो बंद कर लो अपने पागलपन। ये पागलपन नहीं है दरोगा जी, मैं सचमुच लोगों को सम्मोहित कर सकता हूँ। अरे घुइया सम्मोहित कर सकते हो, तुमसे हम कह रहे हैं चुपचाप जो ड्रामा बंद कर लो, ये सारे घसीट के थाने में बंद कर देंगे। ड्रामा लगता है आपको? ओका
आपको ये ड्रामा लगता है अप्पू सिंह जी? आहा, ये देखिए ये देखिए। एक सेकंड, हाँ गौर से देखते रहिए इसको, गौर से देखते रहिए, पूरे ध्यान से देखते रहिए। अब मेरी आंखों में आंखें डालिए अप्पू सिंह जी, देखते रहिए ध्यान से। हाँ रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। दरोगा अप्पू सिंह जी, अब आप जरा हल्का हल्का महसूस कर रहे होंगे, है ना? अप्पू सिंह जी, अब आप पूरी तरह से मेरे सम्मोहन के जाल में फंस चुके हैं। आप मेरे गुलाम बन गए हैं, अब मैं आपको जो भी कहूंगा आप वही करेंगे। करेंगे महाराज। फोन ला, फोन ला। जरा तेरे कमिश्नर से गुफ्तगू की जाए, हैं? मैं अभी तेरे कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ, तू पूरी बदतमीजी से उनसे ये बोल कि तू बहुत बड़ा घूसखोर है, पूरी दुनिया से न्योछावर के नाम पे घूस लेता है। लग गया, ये ले, बात कीजिए पूरी बदतमीजी से। हाँ हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, हाँ जैन साहब, जैन, हाउ हाउ हाउ, हमने जाके लाने आपको फोन करो तो कि हम आपको एक बात बताना चाह रही थी। हाउ हाउ, और जब आज जा है कि हम ससुर कानपुर के सबसे घूसखोर दरोगा हैंगे। और जॉन जो हमारे साथ पेट है ना, वो रिश्वत के मलीदा से भरू भाव है गो। और साहब हमारे जॉन जी नौ नौ ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीवी है ना, वे रिश्वत की निछावर ठूस ठूस के खा खा के ऐश कर रहे हैंगे। और आप हमाओ घुइया का छुनी उखाड़ पा रहे होगे। और आप एक नंबर के कमीने कमिश्नर होगे। बदतमीजी से, बदतमीजी से। रख फोन, रख। I like it. और बोलो मालिक। तो अप्पू सिंह जी, अब आप यहाँ से चलते चलते चिल्लाते चिल्लाते जाइए कि आप कानपुर की सबसे बड़ी चिरांद हैं। आप सबसे बड़े घूसखोर हैं, चिल्लाइए चिल्लाइए। चाचा, जब कानपुर की सबसे बड़ी चिरांद हम हैं, जब मोहल्ला के सबसे घूसखोर दरोगा हम हैं, और कमिश्नर हम आओ घुइया नहीं उखाड़ सकते, सबसे बड़े रिश्वतखोर दरोगा हम हैं, पूरे मोहल्ला को खून चूस लेंगे। हेलो भाभी जी, बोलिए आई लव यू। कहा बोले फरबुती जी? लगता सर खत्म हो गया। कहा बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं डायलॉग बोल रहा हूँ अपने एक नाटक का। कौन सा नाटक? बॉलम भाभी जी। कहा बोले? भाभी जी नाम है नाटक का। और बताइए आप कैसी हैं? हाउ आर यू? हमको छोड़िए, हम बहुत सनसेट हैं। भाभी जी इट्स अपसेट। सही पकड़े हैं, हमारा मुंह ठीक नहीं है भरबुती जी। काहे, मतलब क्यों भाभी जी? व्हाई? देखिए ना लड्डू के भैया हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे कि रात को हम उनको घर से बाहर निकाल दिए। हमको तो कुछ याद ही ना आई हम उनको कब घर से बाहर निकाल दिए। भाभी जी लड्डू के भैया एक नंबर के झूठे और मक्कार किस्म के आदमी। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, बालकनी से रात को धुत आए थे वो, टूट एकदम सीढ़ी पे गिरे और वही पसर गए। और देखिए देखिए हम पर इल्जाम लगा रहे, का ऐसा कर रहे हैं वो। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ अभी। ये देखिए, ये पहचाना आपने? पहचाना ये वही? ये देखिए देखिए देखिए, कौन से देखिए? ताजमहल तो इसमें दिखा ही ना है, हमको याद ही ना है। दिखाऊंगा अभी, ताजमहल दिखाऊंगा अभी। भाभी जी दिखाऊंगा, पहले इसको जरा गौर से देखिए सर, जस्ट लुक एट इट नाइसली। देखिए हाँ, ये देखिए, अब आपकी आंखें बोझल हो रही हैं, अब आप अपने दिमाग से सारे फालतू ख्याल निकाल रही हैं, अब आपका दिमाग खाली हो रहा है जो कि पहले से ही खाली था। अब मैं आपसे जो कहूंगा आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी, राइट? ठीक बा। आपके लड्डू के भैया एक नंबर के घटिया फालतू और गिरे हुए आदमी हैं। हाँ हैं। उस आदमी से आप बहुत नफरत करती हैं। ठीक बा। वो बातों का भूत नहीं, वो लातों का भूत है। ठीक बा। और मौका मिलते ही आप लड्डू के भैया पे टूट पड़ेंगी और उनकी बेल्ट से सुताई करेंगी। इतनी सुताई करेंगी कि उनके फख्त उड़ जाएं और उनके पिछवाड़े पे भी मारेंगी, इतनी जोर से मारेंगी कि निशान पड़ जाएंगे भाभी जी।
ठीक पा। Well, very good. That's like a good girl. अब आप बोलिए I love you. I love you. I love you. I love you. Okay, भाभी जी ज़्यादा हो रहा है ये। I love you. Oh, okay, okay, okay. I got it. I got it. I love you. Yeah, yeah, yeah. बस। अंगूरी, अंगूरी। आ रहे हैं, आ रहे हैं। कब आते लड्डू के भैया? तुम्हारा मूड तो ठीक है ना पगली? माफ करना, हमने गलती से तुम्हें पगली कह दिया है। हमने कब आपको मना किया कि पगली मत बोलो? अच्छा, मतलब तुम्हारा मूड ठीक है ना पगली? हाँ। तो कचू खाने वाने के लिए बनाए कि नहीं? हाँ, हम आपके लिए ना मूली के पराठे बनाए हैं। तो ठीक है, फिर तुरंत ले आओ मूली के पराठे पगली। हाँ, आम के अचार के साथ खाओगे कि तीखी मिर्ची के अचार के साथ? देखो भाई, तीखी मिर्ची के साथ ही लेकर आओ पगली। आज सोच लीजिए, मुंह जल जाएगा। अरे पगली, हम तो तीखी मिर्च खा खा कर ही तो बड़े हुए हैं। ठीक है, तो पराठे के साथ तीखी मिर्ची लेकर आओ पगली। और पराठा नरम खाओगे कि कड़क? अरे नरम से क्या होगा, कड़क पराठा लेकर आओ मिर्ची, तीखी मिर्ची के साथ। अभी लाते हैं कुछ कुछ कुछ। कड़क। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। तिवारी जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे, रो क्यों रहे? हम कह रहे भाभी, ये देखिए, ये देखिए भाभी जी, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ढकिए, देख लिया मैंने, ढकिए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको फुर्सत से धो दिया है। अच्छा बेटा, सही पड़ी है। ये नहीं पूछेगी कि किसके पास इतनी फुर्सत थी। हाँ, किसके पास थी इतनी फुर्सत? अंगूरी भाभी जी, अंगूरी, अंगूरी ने धोया हमें। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी जी? हाँ भाभी जी, बड़ा उछलता था ना बेटा कि मेरी बीवी मेरी आवाज पे कांपती है। आप देखना बेटा कौन कांपेगा। आई कांट बिलीव यू, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी जी, आप हमें यकीन क्यों नहीं कर रही है? आपको हमारी ये चोटों के निशान झूठे लग रहे हैं, हमारी आंखों से बहते ये आंसू झूठे लग रहे हैं, हमारी चीत्कार, हमारी वेदना, ये सब आपको झूठी लग रही है भाभी जी? लग तो रही है झूठी, लेकिन चलिए अगर आप कह भी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि अंगूरी जी जैसी मासूम और भोली भाली लेडी आपको पीट सकती है। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए आइए हमारे। एक मिनट, तिवारी जी बात सुनिए। अगर मैं मान भी लूं कि अंगूरी जी ने आपको पीट दिया, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना? अरे उनके जैसी सीधी सादी मासूम लेडी बिना वजह आपको इतना बेतरती से क्यों पीटेंगे? वजह हमें भी नहीं पता भाभी जी, हम तो थके हारे घर लौटे, बस जैसे ही लौटे तो बेल्ट निकाल कर हमें धोना शुरू कर दिया, फिर हमें धोती रही और हमारे मुंह से चीखे निकलती रही भाभी जी। आइए आइए, आप हमारे साथ आइए। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आगे चलिए चलिए। भाभी जी आप आगे जाइए, उसने देख लिया तो फिर से अटैक कर देगी। चलिए ना, आइए आइए, इधर आइए, दीजिए आवाज दीजिए जी। अंगूरी, अब ऐसे बुलाएंगे तो कैसे आएंगी, जोर से आवाज लगाइए। अंगूरी, अंगूरी, आ रहे आ रहे। अतया, हेलो अंगूरी जी। हेलो हेलो नीता जी, देखिए देखिए इनको क्या हो गया है, कुछ समझ में ना ही आ रहा। क्या हो गया तिवारी जी को? देखिए देखिए क्या कर रहे, अपने पतलून से पेटी निकाल के अपने आप को मार रहे, मार रहे।
भाभी जी अंगूरी झूठ बोल रही है। भाभी जी गुड गोइंग, झूठ बोल रही है ये। अरे अंगूरी झूठ ही तो बोल रही हो, भला हम अपने आप को बेल्ट से काहे मारेंगे, तो तुम ही ने हमें इस बेल्ट से सूता है, इस बेल्ट से। हदया क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया, क्या बात कर रहे हैं, राम राम राम। अनीता जी आप ही बताइए, क्या आपको हम ऐसे लगते हैं कि ये पेटी से हम अपने पति को कूटते हैं? मेरा हिप्नोटिज्म वर्क कर रहा है, दैट्स गुड। भाभी जी हमें कूटा है, इसी पेटी से कूटा है। चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए, बहुत हो गया आपका नाटक। और आप मर्दों ने हम औरतों को समझ क्या रखा है? भाभी जी औरत ही समझ रखा है, और क्या समझ रखा है? लाचार लाचार औरत समझ रखा है। एक्चुअली आप मर्दों ने हम औरतों को बेवकूफ समझ रखा है। Well said, and I'm proud of you. भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं, सब समझ गई हूँ मैं। एक्चुअली आपको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और इसीलिए आप बेल्ट निकाल के अपने आप को पीटते हैं, और इस बात को छुपाने के लिए आपने भोली भाली अंगूरी जी पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। Shame on you. अंगूरी जी अगर दोबारा तिवारी जी ऐसी हरकत करें ना, तो फौरन पुलिस को फोन लगा दीजिए आप। ठीक बा, यू बिहेव योरसेल्फ। भाभी जी, भाभी जी सुनिए तो, भाभी जी अंगूरी